Assam is devastated. The recent floods have played havoc with the lives of the people of Assam. Assam has been hit by the first wave of flooding already. 33 of its 35 districts have been hit. There's a red alert warning that's been issued for Assam. Well, four deaths were reported from the Hojai district. Northeast India are still marooned by flooding. Gudista 100 saal mein इतना भयानक इतना खतरनाक फ्लड असम के लोगों ने नहीं देखा है। एक तारीखी फ्लड है। 60 लाख के करीब तकरीबन लोग इससे इफेक्टेड है। लोगों के घर बह गए, बच्चे कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता, जो बह गया वो खत्म हो गया। देखकर आ रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ, मेरे साथ इतना हुआ, मुझे बहुत अफसोस लगा। जिंदगी भर भी नहीं भूल सकता, इतना अफसोस हुआ जब घर से निकल गया, फिर मैंने चेहरा भी नहीं देखा। Ajmal Foundation is blessed to have a very vibrant and very young talented team. एक साइड में हमारे टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में रहते हैं और एक टीम लग जाते हैं प्रोक्योरमेंट में। इमीडिएटली सामान प्रोक्योर करके उसको पैकेटिंग करके, जैसे एक फ्लड सिचुएशन में खाना तैयार करके खाना मुश्किल होता है, तो इमीडिएटली जैसे हमारे चूड़ा और शुगर ये मिला के हम लोग ऐसे पैकेट तैयार कर लेते हैं कि रेडीली वो खाने को मिले। हम लोग मरने वाला था, लेकिन आजमल फाउंडेशन और मरकजुल मरीफ हम लोग का साथ में था, इसलिए हम लोग बच रहा हूँ, नहीं तो कब से मर जाता था। इन लोग को तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, हम लोग को बचाने के लिए वो लोग का जान भी खतरे में डाल देता है। बहुत बहुत आदमी लोग मर गया नाव पे चढ़ के, लेकिन वो लोग जानबूझ के हम लोग का पास आता है, हम लोग को ढूंढ के निकलता है वो लोग। इन लोग को मैं एक बार नहीं, हजार बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आजमल फाउंडेशन को, जितना हम लोग को हेल्प किया, जितने मुसीबत में साथ दिया। कभी भी हम लोग गए तो भी कुछ गरीबों को लेके इलाज के लिए भी बहुत बड़े बड़े मदद किए थे हमारे एरिया में। नहीं, औरतों की हालत अगर देखेंगे आप, न किसी को कपड़े का फर्क है, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन से एक साड़ी में घूम रही है, छोटे बच्चों को खिलाने का कोई मामला नहीं है। सरकार जो दे रही है वो इतना है कि मुँह में जीरे के बराबर है। इसलिए अजमल फाउंडेशन मरकजुल मआरिफ इस किस्म के हालात में हमेशा गुज़िश्ता 30-35 साल से इन लोगों के साथ रहती है, खड़ी रहती है। जब जब कोई बला मुसीबत आती है तो अजमल फाउंडेशन और उसके स्टाफ और उसके कमेटी, उसकी टीम पूरी की पूरी मैदान में होती है। मरकजुल मआरिफ की टीम मैदान में होती है। नियरेस्ट जितने भी लोग हैं हमारे सराउंडिंग्स में, उनको हम लोग रेस्क्यू कराते हैं, फूड पार्सल प्रोवाइड करते हैं। तो उसको अगर हिसाब में जोड़ेंगे तो नियर अबाउट पर डे हम लोग 1000 फैमिलीज को कवर अप कर लेते हैं। 10-15 डेज हम लोग पूरा टीम फुल्ली एंगेज रहता है। वी प्रोवाइड सपोर्ट टू देम इन टर्म्स ऑफ हेल्थ चेकअप, देन व्हाट आर द प्रिवेलिंग डिजीजेस,
we take care of the prevailing diseases. We tell them that this disease will come, dysentery, diarrhea will come, infections may occur, and how to prevent those and how to treat those, like safe water drinking, then distributions of those essential medicines, drugs, health checkup, we all provide all those. हम हमारी तरफ से तो हम काफ़ी सामान लेके जाते हैं, लेकिन जब उन लोगों के पास पहुँचते हैं हमारा ये एहसास होता है कि हमारे उन लोगों का जो नीड है उसका 1% भी हम लेके नहीं गया है। उसको ये सामान देता हूँ तो वो बाकी है, वो देता हूँ तो ये नहीं है, और हर चीज़ का ज़रूरत है। वी आर टू सर्व ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट टू सर्व ए पर्टिकुलर फेथ और ए पर्टिकुलर रीजन और ए पर्टिकुलर कास्ट और ए पर्टिकुलर सेक्ट। So this is what is the greatest learnings we have got from our trustees, Maulana Badruddin Ajmal Sahab and Sirajuddin Ajmal Sahab, and of course the entire Ajmal family members. सारे दुनिया के ऐसे भाई लोग जो इस किस्म के मुसीबत के टाइम पर मजहब नहीं देखते हैं, न धर्म देखते हैं, इंसानियत के नाते लोगों की मदद करते हैं। मैं सबसे अपील करूंगा कि वो इस फ्लड को देखें, टेलीविजन में जाए, इंटरनेट पे जाए, ये सारी चीजें मौजूद है। और जो दिल में आपके आए, आप अजमल फाउंडेशन के अकाउंट में, मरकजुल मारिफ के अकाउंट में कुछ भी भेजेंगे, आपका पैसा, मैं वादा कर सकता हूँ, अमानतदारी के साथ आवाम तक पहुँचेगा। सवाल किसी एक विडो बेवा के बच्चों की एडुकेशन और परवरिश और स्पॉन्सरशिप का नहीं है। स्केल ऑफ डिजास्टर दिस टाइम हैज बीन सो ह्यूज दैट इट इज वेरी वे बियॉन्ड द मींस ऑफ एनी वन फैमिली और इंस्टीट्यूशन टू कंप्लीटली हेल्प दीज अफेक्टेड पीपल, नॉट जस्ट रिलीफ बट वी विल हैव टू हेल्प पीपल रीबिल्ड देयर लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। सो आई वुड रिक्वेस्ट and appeal to everyone to please donate generously. Ajmal family ki kisi bhi institution, kisi bhi either Markazul Maarif or foundation ke through aap donate karenge, hum vishwas dilate hain Maulana Badruddin Ajmal sahab aur main ki aapke paise sahi logon tak pahunchenge aur unki madad hogi. I have been familiar with the works of Haji Ajmal Ali, the great humanitarian who died serving the people of Assam. His sons, the Ajmal brothers, have left no stone unturned to rise to the occasion to serve the people of Assam, no matter which religion or caste they belong to. Please donate generously. We owe it to the people of Assam. Please do that. And I'm certain whatever you contribute, the Ajmal brothers will only double it.